हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जेवीएम ऑटो, एजिस लॉजिस्टिक और स्कैफलर इंडिया शेयर के ऊपर। चारों ही स्टॉक में एक जोरदार गिरावट फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला, तो इस गिरावट के पीछे का वजह क्या है और आगे कौन कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट होने वाला है, सभी पॉइंट्स के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए एक एक करके एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। स्टॉक में 4% से ज्यादा का गिरावट देखने को मिला, स्टॉक गैप डाउन ओपनिंग हुआ और उसके बाद लगातार स्टॉक में गिरावट देखने को मिला। अगर पूरे वीक के कारोबार की बात करेंगे तो स्टॉक जो है 3% नीचे क्लोज हुआ है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? तो 12th ऑफ जुलाई को जो है एक्स डिविडेंड डेट था, यानी कि ₹7 डिविडेंड पर शेयर का जो है यहाँ पे अनाउंसमेंट था, एक्स डेट था, तो स्टॉक जो है ₹7 नीचे गैप डाउन ओपन इसी वजह से हुआ। और अमून अगर आप देखेंगे, जनरली अगर आप देखेंगे, तो कभी भी अगर स्टॉक में आपको डिविडेंट एक्स डिविडेंट रेट रहता है तो उस डेट पे जो है स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत से लोग, जितने भी लोग जो है आपको गिरावट डिविडेंट के लिए स्टॉक को बाय करते हैं, तो फिर जो है वो लोग उस दिन पे प्रॉफिट बुक करते हैं, क्योंकि उनको डिविडेंट मिल गया रहता है, तो उसके बाद जो है एक सेलिंग देखने को मिलता है, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है और इस वजह से जो है स्टॉक में गिरावट देखने को मिलता है। तो चलिए आगे हम लोग चार्ट्स के ऊपर बात करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे सभी इंपॉर्टेंट चार्ट्स को हम लोग पोस्ट करते रहते हैं। जिस किसी भी स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट दिखता है, ब्रेकआउट हो सकता है, ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट जोन रीटेस्ट हो रहा है या स्टॉक में ब्रेक डाउन हो रहा है, उन सभी इंपॉर्टेंट चार्ट्स को पोस्ट करते रहते हैं। साथ ही अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है तो उस न्यूज़ को भी हम लोग पोस्ट करते हैं, जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। इसके साथ ही इनकेस अगर आप जॉब करते हैं या कोई और काम कर रहे हैं, आपको समय नहीं मिलता है मार्केट को देने के लिए या एनालिसिस करने के लिए, तो आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कि आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए कॉल्स मिलते रहेंगे। FNO में हो या फिर कैश में हो, आप अकॉर्डिंगली अपने कैपिटल के अनुसार, अपने रिस्क एपेटाइट, अपने मेंटलिटी, इन सभी पॉइंट्स को देखते हुए जो है आप यहां पे प्लान को सेलेक्ट कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको पास्ट परफॉर्मेंस चेक करना हो तो यहाँ पे FNO का अलग से पोस्ट मैंने किया हुआ है और जो है कैश का भी अलग से किया हुआ है, तो आप जाके सारा डिटेल चेकआउट कर सकते हैं। और अगर ओनली आप एक्सक्लूसिवली FNO में ट्रेड करना चाहते हैं तो FNO के प्रीमियम ग्रुप को आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी पैसे पे करने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना है। रेफरल लिंक ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, तीन में से किसी एक में आप अकाउंट ओपन कर लीजिए, वहां पर ट्रेड कीजिए FNO को, उसके बाद आप सारा डिटेल शेयर कर दीजिए, आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो सारा डिटेल टेलीग्राम ग्रुप पे है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए बात करते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन शेयर के ऊपर। स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है और OMC के स्टॉक में अगर देखेंगे तो एक अच्छा तेजी भी देखने को मिल रहा है। इंडियन ऑयल के साथ अगर बात करेंगे तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और इंडियन ऑयल में एक ज्वाइंट वेंचर भी हो सकता है, वेरी लार्ज क्रूड कंटेनर को मैन्युफैक्चर करने का। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने इसके ऊपर प्रपोजल भी डाला हुआ है। अब अगर अप्रूवल होता है तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे एक काफ़ी ज़बरदस्त बूस्ट होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वीकली बेसिस पे भी अगर देखेंगे एक अच्छा फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट है, यानी कि इंडियन ऑयल में एक शानदार तेजी हम लोग ऊपर की साइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है स्टॉक इमीडिएटली रेसिस्टेंस फेस कर रहा है 170 के लेवल पे। एक बार स्टॉक 170 के लेवल को क्रॉस कर जाता है तो एक जोरदार तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। और हम लोगों को पता है कभी भी अगर फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, टारगेट होता है पोल लेंथ। यहाँ पे पोल लेंथ है 110 पॉइंट का। ब्रेकआउट लेवल से अगर 110 पॉइंट को प्रोजेक्ट करते हैं तो 280-285 का टारगेट आता है।
तो एक अच्छा एक टारगेट के लिए जो है स्टॉक तैयार हो रहा है, तो इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इन केस अगर आपके पास पोर्टफोलियो में है तो आप जो है यहाँ पे कंटिन्यूसली होल्ड कर सकते हैं। एक अच्छा डिविडेंड भी पे स्टॉक कर रहा है और साथ ही साथ आपको ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे जेबीएम ऑटो। जेबीएम ऑटो के शेयर में जो है फ्राइडे के सेशन में एक अच्छा गिरावट देखने को मिला। ओवरऑल चार्ट पैटर्न को अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है एक अच्छे तेजी के बाद यहाँ पे काइंड ऑफ डबल बॉटम डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन करता हुआ दिख रहा है। अभी ये ब्रेकडाउन जो है कंफर्म हुआ नहीं है या फिर जो है ये आपको बियरिस से अभी कंटिन्यूसली सेटअप हुआ नहीं है। स्टॉक जो है अभी कोई भी किसी भी साइड मूव कर सकता है। अभी जो है अप ट्रेंड इंटैक्ट है, कंप्लीट कंफर्मेशन नहीं है डाउन ट्रेंड का। ऑटो सेक्टर में एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है और जेबीएम ऑटो जो है इसका एक अच्छा बेनिफिशियरी भी होने वाला है, लेकिन इसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा। अगर स्टॉक इस लाइन को ब्रेक डाउन करता है तो डाउन साइड में यहाँ पे ज्यादा स्पेस नहीं है जो स्टॉक आपको नीचे मूव कर सकता है, क्योंकि स्टॉक को इमीडिएट सपोर्ट है। लेकिन ऊपर की साइड अगर स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो फिर एक जबरदस्त तेजी इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। स्टॉक जो है यहाँ पे 2600 3000 के लेवल की साइड में मूव कर सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, नेक्स्ट स्टॉक है एजिस लॉजिस्टिक। एजिस लॉजिस्टिक के शेयर में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम किया। 430 के लेवल पे जो है हम लोगों ने इस स्टॉक को अपने प्रीमियम ग्रुप में भी आपको दिया था, क्योंकि इस स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट किया था। बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट इस स्टॉक में देखने को मिला था। उसके बाद से अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है 100% का मूव कर चुका है। कंटिन्यूअस यहाँ पे 5-6 मंथ मोमेंटम के बाद स्टॉक जो है इस मंथ में यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रहा है, और ये गिरावट होना चाहिए क्योंकि स्टॉक में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए था। यहाँ पे वीकली बेसिस पे अगर बात करेंगे तो एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अगर स्टॉक 800 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो फिर इस स्टॉक में हम लोगों को 700 के लेवल तक एक अच्छा गिरावट देखने को मिल सकता है। 650-700 ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। अगर इस लेवल तक आता है और यहाँ पे एक बेस बनाने के बाद स्टॉक निकलता है तो फिर वापस से इस स्टॉक में री एंट्री का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है चाहे तो आप पार्शियल प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, और इनकेस अगर आप होल्ड करना चाहे तो आप होल्ड भी कर सकते हैं। लास्ट स्टॉक की बात करेंगे, स्कैफलर इंडिया 3.5% के गिरावट के साथ फ्राइडे के सेशन में क्लोज हुआ है और पूरे वीक में स्टॉक 12.5% से ज्यादा फॉल हुआ है। अगर हम लोग इस स्टॉक के चार्ट्स को देखेंगे तो एक निगेटिव चार्ट सेटअप जो है यहाँ पे बन रहा है, और इस स्टॉक में एक हम लोगों को बियरिश रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन दिख रहा है। स्टॉक एक अच्छा तेजी किया, रिट्रेसमेंट लिया, वापस से एक अच्छा तेजी किया, अब स्टॉक ने यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकडाउन दिया है। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे नेगेटिव पैटर्न बन रहा है नो डाउट, बट स्टॉक के लिए इमीडिएट सपोर्ट जोन जो है वो आपको 3780 3790 और 3600 इस रेंज में है। तकरीबन 150 पॉइंट का ये जोन है जहाँ पे कि स्टॉक जो है आपको सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे शॉर्ट साइड के लिए ज्यादा आपको स्पेस नहीं है। डाउन साइड में अगर देखेंगे तो एक जो है रेंज से स्टॉक निकला था, यहाँ पे तकरीबन जो है 2 इयर्स का ये रेंज था जिससे स्टॉक निकला था, और वापस से उस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो अभी यहाँ पे आपको घबराना नहीं है जब तक कि स्टॉक 3500 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट नहीं कर देता है। अभी ये जरूर जो है एक एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टॉक वापस से 3800 के लेवल पे सपोर्ट ले सकता है। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, फ्रेश बाइंग के लिए भी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।